नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान में 1 अप्रैल से गरीबों को बड़ी राहत, 3 लाख परिवारों को 500 रुपए मिलेगा सिलेंडर। उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारियों के लिए खुशखबरी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद आगामी 1 अप्रैल से राजस्थान के अंदर बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 500 रुपए में जो गैस सिलेंडर है वो मिलेगा। राजस्थान में अब गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए मिलेगा। वही गरीब परिवार को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिसंबर 2022 में कहा था कि अब बजट पेश करते हुए उन्होंने 500 रुपए गैस सिलेंडर यहाँ पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा यहाँ पर की थी। वह राजस्थान सरकार राज्य के गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं को साल भर में 12 रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। वह इसके लिए राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर तीनों गैस कंपनियों से राज्य में दोनों श्रेणियों के गैस उपभोक्ताओं की जानकारी मांगी है। वह मंत्रालय से उपभोक्ताओं की संख्या मिलने पर सालाना खर्च का वास्तविक आकलन जो है वो होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में न्यूनतम 1000 रुपए मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राज्य सरकार पर आएगा 2222 करोड़ रुपए का खर्च। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में गहलोत सरकार ने बढ़ोतरी की है। 500 और 750 रुपए की जगह अब सीधे 1000 रुपए दिए जाएंगे। वह राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के सभी कमजोर वर्ग की सहायता करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। 1 मई 2023 से न्यूनतम पेंशन जो है न्यूनतम 1000 रुपए बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगेगी। वही मुख्यमंत्री की स्वीकृति से पेंशन धारकों को जो आर्थिक संबल है वो मिलेगा। वही वृद्धावस्था और सिंगल वुमेन और इसके अलावा विशेष योग्यजन और लघु सीमांत किसान पेंशन पात्र में आवेदकों की बड़ी हुई पेंशन राशि जो है मई महीने से मिलेगी, जो कि 1 जून 2023 से यहाँ पर कर दी जाएगी। वही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन की दरों में वृद्धि से अब राज्य सरकार पर प्रतिमाह जो है 185 करोड़ रुपए, प्रतिवर्ष जो है 2222 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त भार है वो आएगा। वही प्रति माह लगभग 700 करोड़ रुपए का जिसमें होते हैं। वह मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति यहाँ पर माह करने की घोषणा जो है वो की है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के मजदूरों के लिए अच्छी खबर देखिए, कमाई बढ़ाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से राजस्थान के मजदूरों के लिए अच्छी खबर मिलने वाली। दरअसल राजस्थान में दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को मिलने वाले रुपये में इजाफा किया गया है। दरअसल अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र के निर्देश अनुसार मनरेगा में मिलने वाली जो राशि है उसमें इजाफा यहाँ पर किया है। दरअसल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है मनरेगा, उसके तहत मजदूरों की दरों में बदलाव को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार मनरेगा में आने वाले राज्यों में मजदूरों की दरों को बढ़ाया गया है, जिससे राज्यों के किसानों का जीवन स्तर जो है उसमें बेहतर बन सके। वही नोटिफिकेशन जो है मनरेगा एक्ट 2005 की धारा 6(1) के तहत यहाँ पर जारी की गई है। इसके तहत मजदूरों के वेतन में 7 रुपए से लेकर 26 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें जो है 1 अप्रैल से लागू होगी। इस इजाफे में राजस्थान में सबसे अधिक दैनिक वेतन जो है 255 रुपए प्रतिदिन और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। वही नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र नोटिफिकेशन के जरिए मनरेगा के जो नरेगा के जो लाभार्थी है लाभार्थी मजदूरों की मजदूरी दर यहाँ पर ही तय कर सकता है। पिछले वर्ष की दरों में तुलना में राजस्थान में मजदूरी सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर की गई है। राजस्थान के लिए संशोधित वेतन जो है 255 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है, जो कि 2022-23 में 231 रुपए था। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में कल से बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, मौसम विभाग ने किसानों को दी है सलाह। राजस्थान में मार्च महीने में बारिश और ओलावृष्टि और आंधी का दौर लगातार रुक रुक कर जारी है। वही एक और नया पश्चिमी विक्षोभ जो है 29 और 30 मार्च को एक्टिव होने जा रहा है, जिसने किसान और सरकार और जनता की चिंताएं बढ़ा दी है। वह मौसम विभाग ने राज्य में 29 तारीख से बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका जताई है। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की चेतावनी जारी की गई है। वही मौसम विभाग ने किसानों को बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर सलाह भी यहां पर दी है। वही मौसम विभाग के मुताबिक नया पश्चिम विक्षोभ जो है 29 और 30 को सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। वही 29 मार्च को बीकानेर जैसे जिलों में कहीं कहीं बादल गरजने और हल्की बारिश होने की संभावना है, तो विशेष भागों में मुख्यतः मौसम साफ रहने की संभावना है। 30 मार्च को इस पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव ज्यादा रहने और राज्य के ऊपर एक परिचंचल तंत्र बनने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में एक बार फिर तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। ओलावृष्टि भी होने की यहां पर चेतावनी दी गई है। वही 31 मार्च को पश्चिम विक्षोभ जो है राज्य के उत्तरी भागों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में इसका असर पड़ेगा, जहां तेज बादल गरजने और बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश होगी और प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी यहां पर इसका प्रभाव रहेगा। वही 31 को यहां पर बाकी हिस्सों में यहां पर धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा।
वही मौसम विभाग के अंदर जयपुर के डायरेक्टर जो है राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ जो है कल से एक्टिव होने जा रहा है। सिस्टम का असर जोधपुर बीकानेर अजमेर जयपुर और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा। जिन किसानों ने फसल की कटाई करके खेतों में खुले या फिर सुखाने के लिए रखी है उनके लिए आज का समय है वे अपनी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर स्टोरेज में रख लें। वही बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान से बचने के उपाय के लिए यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है।